दोस्तों मेरे हाथ में यह है एक 3 mm का LED जिसे मैं 1.5 वोल्टेज के बैटरी से ग्लो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह नहीं जलेगा क्योंकि इस लाइट को ग्लो करवाने के लिए 2.5 वोल्टेज की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप लोगों को लग सकता है अगर मैं इसका पोलैरिटी को चेंज कर दूँ तब शायद ये जले, तो तब भी नहीं जलेगा। और इस नामुमकिन चीज़ को हम मुमकिन बनाएंगे एक जूल थीप सर्किट बनाकर। दोस्तों यह है एक फेराइट कोर जिसके ऊपर 28 गेज का NML कॉपर वायर को हम 15 राउंड मारेंगे। ये जो स्टेप अप सर्किट होता है ये नॉर्मली 3 तरीके का होता है, एक तो बूस्ट कन्वर्टर, दूसरा चार्ज पंप्स और तीसरा होता है जूल थीप सर्किट। आज हम बूस्ट कन्वर्टर और जूल थीप सर्किट के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों बूस्ट कन्वर्टर और जूल थीप सर्किट दोनों में ही इंडक्टर कॉइल या फिर ट्रांसफार्मर का यूज होता है और दोनों ही स्विचिंग के ऊपर काम करता है, कोई ट्रांजिस्टर तो कोई मॉस्फेट का यूज करते हैं। दोस्तों जूल थीप सर्किट को हम लो पावर एप्लीकेशन में यूज करते हैं जैसे कि LED को जलाना या फिर कोई छोटा मोटा काम, और बूस्ट कन्वर्टर को हम हाई पावर एप्लीकेशन में यूज करते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप के द्वारा आइसोलेशन कर देंगे इसे। देखा जाए तो बूस्ट कन्वर्टर और जूल थीप सर्किट में बूस्ट कन्वर्टर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जूल थीप सर्किट से ज़्यादा होता है। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है 15 टर्न सभी सेम डिरेक्शन में होगा और इसका जो सेकेंडरी कॉयल होगा ये भी सेम डिरेक्शन में ही होगा। दोस्तों क्योंकि मैंने एक NML कॉपर वायर लिया है तो इसका जो इंसुलेशन है ये हम थोड़ा हटा देंगे इसके ऊपर से ताकि ये बेहतर कनेक्शन बना पाए। और इस सर्किट में स्विचिंग करवाने के लिए मैंने एक जनरल पर्पस NPN ट्रांजिस्टर BC547 को लिया है, आप एक हाई पावर ट्रांजिस्टर को भी ले सकते हैं जो कि बेहतर काम करेगा। इस ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस और कलेक्टर पिन आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका जो बेस है इसके साथ हम 1 kΩ का एक रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक सटीक वैल्यू का रजिस्टर को लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी हीट अप होकर खराब हो जाएगा। अब हमारा जो इंडक्टर कॉइल था इसका जो 15 वाला टर्न था इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, एक को कनेक्ट करेंगे इस रजिस्टर के साथ और दूसरा कनेक्ट करेंगे कलेक्टर के साथ। ये बीच वाला जो 0 वाला टर्न था इसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे, इसको किसी के साथ हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने कितने ही कंपोनेंट का यूज़ किया है पर ये सर्किट बहुत ही कमाल का है क्योंकि हम इससे एक स्टेप अप कन्वर्टर, एक ऑसिलोस्कोप, एक वायरलेस पावर सप्लाई और एक ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी सर्किट में हम पावर सप्लाई देते हैं, 1.5 वोल्टेज का ही पावर सप्लाई हम देंगे। प्राइमरी हम जो कॉइल बनाया था उसमें जो 0 वाला टर्न था उसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे और जो हमारा नेगेटिव का पावर सप्लाई है ये हम ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पिन है उसके साथ देंगे। दोस्तों इस कॉपर कॉइल को मैंने एक पुराने खराब घड़ी के अंदर से निकाला है, ये तार बहुत ही पतला है और इसका 200 टर्न हम लेंगे सेकेंडरी कॉइल में। दोस्तों ये जो स्टेप अप सर्किट होता है ये एक लो पावर बैटरी को एक हाई पावर में कन्वर्ट करता है, पर ये काम ये कैसे करता है? दोस्तों ये जो इंडक्टर होता है इसको जब हम ऑन करते हैं तब कुछ चार्ज ये स्टोर करके रखते हैं, अब जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये चार्ज ही रिलीज कर देता है। लेकिन ये सर्किट क्योंकि एक ऑसिलोस्कोप है तो ये बार बार बहुत जल्दी से ऑन ऑफ होकर एक वोल्टेज स्पाइक हम लोगों को देखने को मिलता है और इसका नतीजा है एक हाई वोल्टेज। दोस्तों ये हमारा सेकेंडरी इंडक्टर कॉइल है जिसमें 200 टर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके एंडिंग पॉइंट में हम एक LED को कनेक्ट कर देंगे, पोलैरिटी मैटर नहीं करता यहाँ पर। ये एक पतला सा एनामेल कॉपर वायर है तो बहुत ही सावधानी से हम इसका जो कोटिंग है इसको हटाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये सर्किट एक ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है जहाँ पर एक लो पावर से एक हाई पावर में ये कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये एक वायरलेस पावर सप्लाई की तरह काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी LED लिया है ये सभी 2.5 वोल्टेज के ऊपर ग्लो होता है, तो यहाँ पर ये 1.5 वोल्टेज के बैटरी से ये जल रहा है, मतलब ये स्टेप अप कन्वर्टर की तरह भी काम कर रहा है।